गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और सेफ होंगे अपने अपने घरों में। तो आज बनेगा, मतलब आज है होलिका दहन, और मैं अभी तैयारी करने जा रही हूँ सब चीज़ों की। तो मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करें इस बार ब्लॉग, और लेट्स सी। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आलू बॉईल करके रख लिया और तैयारी कर रही हूँ मैं आलू चप की, और जो आलू के बड़े रहते हैं वही बनाऊंगी अभी सबसे पहले। तो उसका मसाला रेडी कर रही हूँ। सरसों, सबसे पहले तेल डाल दिया था गर्म होने के बाद, सरसों डाल दिया, लहसुन अदरक और ये अदरक और मिर्ची का पेस्ट था। इसको अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक ब्राउन ना हो जाए, और उसके बाद इसमें थोड़ी मूँगफली मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करने के बाद मैं इसमें नमक भी ऐड करूँगी। और नमक ऐड कर देने के बाद मैं तुरंत इसमें आलू डाल दूंगी। थोड़ा सा लग रहा था, मुझे लगा लगने लग गया, तो इसकी वजह से मैंने इसमें आलू ऐड किया, और इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा हल्दी भी ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स करूंगी और इसको तैयार कर लूँगी। इसकी गार्निशिंग के लिए मैं तुरंत इसमें धनिया डाल देती हूँ, और यहाँ पे ये हो चुका है रेडी। और उसके बाद मैंने तैयार कर लिए थे प्याज के पकौड़े, जो कि यहाँ पे डालने मैंने शुरू कर दिए थे। बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लिप नहीं लिए यहाँ पे बीच बीच में, तो इसको मैंने यहाँ पे इसकी प्याज के पकोड़े की भी जो मसाला था वो मैंने पहले से रेडी करके रखा था, और भी चीज़ों की जो मुझे बनाना था मतलब, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया। इसके बाद मुझे सैंडविच की भी तैयारी करनी थी, और वो आलू के वड़े की भी तैयारी करनी थी, जो कि मैंने बना करके रखा था, आपको वीडियो में दिखाया। तो ये सब हो जाने के बाद मुझे डायरेक्ट उसी के ऊपर वो करना था। तो ये सारी चीज़ें कुछ छोटी छोटी थी ना, वो मैंने पहले कर ली थी, और जिसको मैंने वीडियो मैं ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे ये मेरे प्याज के पकौड़े ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आलू के वड़े, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट मोस्ट में आते हैं ये मेरे। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटे छोटे मैंने राउंड कर लिए थे, इसको पहले बना लिया था, और उसके बाद इसको अच्छे से मैंने बेसन में लपेट के और तेल में फ्राई होने के लिए डाल दिया। और होलिका दहन की आज सबको बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हो। आज ऐसा हो गया ना कि एक दिन पहले ही ये सारी चीज़ें मनाई गई थी, उसके बाद सेकंड तो क्या कहा गया था, आतर लग गया है। तो कहीं कहीं पे ना ये 7-8 मतलब सॉरी पहले ही वो हुआ था, बीच में गैपिंग हो गई थी एक दिन की, तो शायद 8 तारीख को ही हम लोगों ने होली मनाया, और जो 7 तारीख को किसी कहीं कहीं होली मना है, और बाकी 6 तारीख को हम लोगों ने होलिका दहन का वो किया था। तो बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे वड़े भी ऑलमोस्ट मेरे रेडी हो चुके हैं, मैंने जैसे सैंडविच आपको दिखाया, तो अब उसको भी मैं तलूंगी यहाँ पे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, बहुत तो कमी है, हम लोग खाने वाले दो तो हम लोग ज़्यादा बना करके करते क्या, पर इनके फ्रेंड भी आ रहे थे, तो हम लोगों ने सबके लिए तैयारी अच्छे से करके रखी हुई थी। और हमारे यहाँ का ये भी वो है क्या बनाना, कढ़ी और चावल बोलते हैं कि आज के दिन खाना चाहिए, और किस किस के यहाँ का ये वो है बताना ज़रूर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसके अंदर बेसन में ब्रेड में मैंने आलू अच्छे से लपेट लिया था पहले, उसके बाद बेसन में लगा करके इसको मैंने तेल में अच्छे से छोड़ना शुरू कर दिया। ये देख सकते हैं, इसको कुछ अच्छे से ब्राउन करे, क्रिस्पी करे, और उसके बाद आप निकाल ले इसको।
गाइज यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ सब कुछ, ये सारी चीजें और जो भी बनाया था वो, और दही और सॉस, ये सारी चीजें। मेन बात है गेस्ट आ चुके थे घर पे तो उन्हीं के लिए मैं निकाल रही थी। और यहाँ पे सारी चीजें ऑलमोस्ट रेडी करके रखी थी, ये देख सकते हैं। कढ़ी भी मैंने रेडी किया जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है, कढ़ी और चावल यहाँ पे रेडी करके रख लिया है। बाकी ये सारी चीजें, तो गाइज यहाँ पे सब कुछ बन चुका है और गेस्ट आए थे तो खाना वाना सब कुछ हो चुका है। और अभी गन्नू को खिला रही थी मैं कढ़ी चावल, और उसे पहले खिला लूँ, पता नहीं उसे क्यों तीखा लग रहा है, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि गन्नू आज बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रहा था खाना खाने में, तो आज उसको थोड़ा डांटा मैंने तो रोना शुरू कर दिया एकदम से। मैंने बोला कम से कम खाना कुछ खा लेते हैं तो बच्चे में हमारा भी मन शांत रहता है, पर ये कुछ भी नहीं खाया था और तब से मेरा मूड भी ऑफ हो गया। तो मैं बोली मैं अपना खाना पहले ख़त्म कर लेती हूँ, देन मैं उसको आराम से बैठा करके खिलाऊँगी। तो गाइज ये वीडियो अब यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और सबको ये होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस व्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए बाय बाय, ओके।